ये बताओ, सुबह जब आए थे तो क्या सोच के आए थे इस कार्यशाला में? सर बस सोचा था कि बस ऐसे बैठना होगा, जो थोड़ा बहुत लिखना होगा बस लिख ले, मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप होगा। पर यहाँ पर आगे से पता चला कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस बहुत ज्यादा बोर है, पर साइंस को इस तरीके से बताना चाहिए कि साइंस बोर ना इंजॉयमेंट बने। मैंने सोचा था कि जैसे अभी तक हम लोग पहले से ट्रेनिंग करते आए हैं, एक दो दो के इसी तरह की होगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक बार दुर्गा देवी में भी जुड़ चुका हूँ, वहाँ पे हम लोग मिले थे दुर्गावाड़ी एक, में हाँ दुर्गावाड़ी में, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड था। तो ऐसा तो था कि मन में कि आज मैं आपके साथ मिलूँगा तो शायद कुछ नई चीज़ ही सीखूँगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग के हिसाब से तो मुझे लगा था कि अगर ट्रेनिंग में जाना, अगर आप नहीं होते तो शायद हो सकता मैं आता भी ना इधर। ये मेरे लिए अच्छा अवसर भी था और मैं आया भी इसीलिए। जब मैं आया मैंने सोचा नॉर्मली बस ऐसे थोड़ा साइंस के बारे में बता दें, क्वेश्चन पुटअप होंगे, इससे टीचर्स को करना चाहिए, प्रैक्टिकल पे काम करना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ाते हैं। जैसे और ट्रेनिंग होती वगैरह वही है तो ऐसी सैद्धांतिक होगी, तो यहाँ पे पता चला कि बहुत कुछ एक्टिविटी कराने को मिली और बच्चों को सिखाने को भी बहुत कुछ। मैंने ज़्यादातर देखा कि जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो आपको एक मॉड्यूल दे दिए जाते हैं, एक बुक्स दे दी जाती हैं, और आपका 4 दिन का 5 दिन का सिलेबस डिटरमाइन कर दिया जाता है। अब 5 दिन की ट्रेनिंग वो इतनी बोरिंग हो जाती है कि टीचर केवल आने का समय देखता है, जाने का समय देखता है, चाय का समय देखता है और खाने का समय देखता है। ये उसकी मतलब वो बॉडी से केवल वहां प्रेजेंट होता है, उसे सिर्फ ये दिखाई देता है छूटना कब है, क्योंकि उसे पता है, उसे पता है सीखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। जो है वो किताब में लिखा है वो पहले से जानता है। सभी टीचर्स हैं यहाँ पर, पढ़ कर के आए हैं, ज्यादातर बंदे MSc होंगे, BEd हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है। क्या सिखाया जा रहा है उन लोगों को? मॉड्यूल के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है? तो मॉड्यूल से सीख टीचर नहीं सीख पाता। जर्नली ऐसा देखा गया है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है ज्यादातर मॉड्यूल बेस्ड होती है और वो कंटेंट डिलीवर करने के लिए होती है। अदरवाइज कह दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप प्रिपेयर किए जाएंगे और उस पर आपको कंटेंट सेंड कर दिया जाएगा। बट यदि वर्कशॉप प्रॉपर इसी तरीके से कराई जाए, लर्निंग बाय डूइंग, हम यहां सीखें, आप सब ज्यादातर पहले से जानते भी हैं, लेकिन हम इन चीजों को कहीं खो चुके हैं, इन अनुभवों को कहीं खो चुके हैं, क्योंकि हम क्लास में अपना टारगेट पूरा करते रहते हैं केवल। लेकिन इस वर्कशॉप में जो सर सिखा रहे हैं, हम लोग इन सब एक्सपेरिमेंट्स को, इन सब चीजों को बस सैद्धांतिक तौर पर पढ़ करके वो किताबों में रह गया, बताने के लिए रह गया, हम बच्चों को करा नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है इस वर्कशॉप के माध्यम से ये सब रीजनरेट होगा और हम सब अपने स्कूल्स में जाकर के इन एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों के सामने दोबारा लेकर के आएंगे और कक्षाएं ज्यादा रोचक होंगी। फिर मुझे देखने से लगा कि यहाँ से जो सीख रहा हूँ उसको मैं बच्चों में थोड़ा सा बताऊंगा तो बच्चे भी इंटरेस्टिंग होंगे, यानी कि बच्चों और थोड़ा उस सब्जेक्ट को रुचि लेकर पढ़ेंगे। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, विज्ञान एक परिभाषा है केवल, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे सामाजिक शास्त्र हो, उस विषय को अपने जीवन से जोड़ के, अपनी लाइफ से जोड़ के जब देखोगे तो क्लास में पढ़ाने में भी मजा आएगा और बच्चे को पढ़ने में भी मजा आएगा। जब मैं सुबह यहाँ के लिए निकली तो मुझे लगा था भीड़ से भरा हुआ कमरा होगा और एक प्रोजेक्टर चल रहा होगा, प्रोजेक्टर पे सर कंटेंट बताएंगे और वही सब चलता रहेगा और हम पीछे सोते रहेंगे, मुझे ये लग रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम सोने का मीनिंग नहीं, सोने का मीनिंग नींद आएगी। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था सर, बहुत बोरिंग ट्रेनिंग थी लास्ट टाइम, हम 3 दिन इतना मतलब बहुत ही बहुत पजल थे और गर्मी इतनी थी, ना उस हॉल में बैठा जा रहा था ना कुछ हो रहा था। बट यहाँ आके लगा नहीं, कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है, शायद मजा आएगा और सीखने को भी मिलेगा, ताकि हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे कुछ ना। तो बिल्कुल सेम हालत है, मैं और मोनिका ट्रेनिंग में गए थे तो वही था कि एक प्रोजेक्टर पर आपका सिलेबस चलने वाला है और आपको वहाँ नोट्स तैयार करने हैं और अपनी क्लास में आकर इम्प्लाइड करने हैं, उसमें बच्चों को वही बताना है शॉर्टकट मेथड से आप कैसे बताएंगे। लेकिन यहाँ जब आई, एक के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने देखा और सीखा साइंस से रिलेटेड है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, लेकिन पहले खुद को भी थोड़ा सीखना पड़ेगा। पहले खुद मरना होगा तब जीना होगा सर, पहले यहाँ पे मरना होगा तब जाके वहाँ हम जिएंगे बच्चों के साथ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले यहाँ सीख कर जाऊँ कुछ, जिससे कि मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊँ वहाँ पर, मतलब कुछ सीखने की इच्छा अब जगे यहाँ से। जा, जा।
मतलब वो बोरिंग नहीं हुआ, मुझे लगा कि वाकई यहाँ अभी हम लोगों को बहुत कुछ, लाइफ बहुत लंबी है और सीखते ही जाना है, कभी ये सीखने का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और आज लगा कि हाँ वाकई कुछ नया सीखा और आगे बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगी। सर मैंने सोचा था ऐसे नॉर्मली ट्रेनिंग होती है, मेरी BETC में हुई थी तो ऐसे ही होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। पर अब सोचे बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है। जब मैं मॉर्निंग में आई थी तो मैंने टीचर से पूछा था क्या होता है वर्कशॉप में, उन्होंने कहा था कि 4-5 बजे तक सिर्फ लेक्चर वगैरह चलते हैं और पीछे बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनते हैं सबको, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और मैं स्टूडेंट को भी कराऊंगी। मैं मेरठ से आती हूँ और वहाँ भी शायद मैंने मोस्टली स्कूल्स में पढ़ाया है, बट जैसी वर्कशॉप मुझे आज यहाँ देखने को मिली है ऐसी शायद ही मुझे मिली हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि सर ने आज वो दिन याद दिला दिए कि हम भी एक स्टूडेंट, हमारे अंदर भी एक स्टूडेंट है और हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को भूल चुके थे, हम भी क्या है कि कोर्स पूरा कराने में, चीज़ों को थ्योरेटिकल समझाने में लगे रहते हैं, शायद टाइम की कमी बता दो, प्रेशर बता दो या कुछ भी, पर ऐसा नहीं लगा इन चीज़ों को देख के कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब सर ने ऐसा हमें सिखाया कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही छोटे एपरेटस की हेल्प से हम चीज़ों को, बच्चों को क्लियरली कर सकते हैं।